हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। जैसा कि आपको यहां पे थंबनेल दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी यानी सबऑर्डिनेट बोर्ड का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इसका फायदा हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और देखते हैं किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर, कैसा रहेगा यहां पर पे स्केल, कैसा रहेगा आपका यहां पर एज का क्राइटेरिया, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम यहां पर चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, देखेंगे किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट यहां पर रखा गया है। ओके, सबसे पहले ये देखिए, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा, देखिएगा यहाँ पर मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा। अगेन आपको यहाँ से सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर मैं बता दूं तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा आपका 3 अगस्त से। नेक्स्ट, आपका ऑनलाइन आवेदन का सबमिट करने यानी फाइनल डेट की अगर हम बात करें, अंतिम तिथि रखा गया है 24 अगस्त को। साथ ही साथ संशोधन की अगर हम बात करें, कोई आपको उसमें प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कुछ गलत इंफॉर्मेशन चले गया है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं 31 अगस्त तक। क्लियर रहेगा, ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब आते हैं हम हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पोस्ट की तरफ, किस तरीके से आदमी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हर एक चीजों के बारे में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही जाना है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जाना है। और उसके लिए वेबसाइट दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर मेंशन किया गया है, UP SSC.gov.in। याद रखिएगा, यह है ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप जाकर के सारी चीजों को देख सकते हैं। क्लियर रहेगा, अब आते हैं प्रक्रिया के संबंधी में निर्देश क्या है। तो सबसे पहले आपके पास पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अब जैसे ही यहां पर अलग अलग आप रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप ओटीपी के थ्रू लॉग इन करेंगे, यानी पहले रजिस्ट्रेशन देन आफ्टर आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं एक एक चीजों के बारे में, कि किस तरीके से कौन सा आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन वगैरह के बारे में, कि किस तरीके से आप डिक्लेरेशन को फिल करेंगे, उसके बाद फी पेमेंट करना है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल यहां पर आपको फी देने के लिए पहले फी सबमिशन का अपडेट करना पड़ेगा, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फाइनल स्टेज में आप यहां पर डायरेक्टली जाकर के फी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, अब बात आती है कि हमारा फी कितना लगने वाला है। तो गाइस कैटेगरी वाइज यहां पे फी का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अगर कोई जनरल है, ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहां पर आपको जीरो फी लग रहा है, सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज देना है 25 रुपया। जितनी भी जातियां हैं सबको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया देना है प्रोसेसिंग शुल्क, यानी इंटरनेट कन्वीनियंस का फी। क्लियर रहेगा, चलिए फॉर्म का प्रिंटआउट लेने के बारे में बता रहा है कि जैसे ही आप यहां पर अप्लाई कर देंगे फॉर्म, आपका फी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म भर लेंगे, फी सबमिशन हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसका एक अपडेटेड जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसको आप लेकर के प्रिंट कर लेंगे। और अगर जो आप फी पे कर रहे हैं, फी को आपको जाकर के ट्रांजेक्शन में वेरीफाई करना है। ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई किया, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, उसमें एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है, तो जब फाइनल सबमिशन की बात आएगी तो आपको उस आईडी को वहां पर डालना है, वेरीफाई करना है फाइनल सबमिट से पहले। क्लियर रहेगा, चलिए अब किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। अब वापस आते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तरफ। तो ध्यान रखिएगा गाइस, सारणी 1 में यहां पे टोटल पदों का विवरण है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम मुख्य सेविका के बारे में, वेतन की अगर हम बात करें कितना रहेगा तो ध्यान रखिएगा 5200 से 20200 का पे स्केल है, ग्रेड पे रखा गया है 2800 रुपया। क्लियर रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 5 यानी इन हैंड सैलरी अप्रोक्स 35-36,000 मिनिमम आपको मिलने वाले हैं पर मंथ। न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 21 से 40 रखा गया है। टोटल पोस्ट यहां पर 2693 यानी 2700 पोस्ट यहां पर रखा गया। क्लियर रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 2700 है। फी कितना लग रहा है, 25 रुपया, आप टेंशन मत लीजिएगा, फी बहुत ही कम है। अब बात आती है कि किस तरीके से किसे यहां पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो गाइस देखिएगा, अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन किया गया, स्वतंत्रता सेनानी का, उसके बाद PBWD का, फीमेल का, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का, अलग अलग यहां पर पैरेलल रिजर्वेशन की बात की गई है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारा
मेनली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो गाइस ध्यान देंगे, यहां पर मिनिमम जो है आपका कम से कम जो है एक विषय के रूप में समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, ध्यान देंगे यहां पर मिनिमम जो यहां क्राइटेरिया रखा गया है, एक सब्जेक्ट जो है आपका यहां पर समाजशास्त्र, ध्यान रखेंगे सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस या फिर पोषण, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के दौरान अगर आप इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, पहली बात। अब देखिए, अब बात आती है प्रिफरेंस किसको दिया जाएगा, अधिमानी अर्हता, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन, पहली चीज। अब इंपॉर्टेंट है कि किसे यहां पर प्रिफरेंस दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। क्या? सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में चाइल्ड, अगर हम बात करें तो बच्चों और महिलाओं के कल्याण कार्य, चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में किसी ने काम किया है तो उसको यहां पर, अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, व्यवहारिक अगर ज्ञान हो, तो आप यहां पर उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, कम से कम राज्य सेना में यानी यूपी सेना में, यूपी आर्मी में 2 वर्ष तक कम से कम काम किया हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो एनसीसी बी सर्टिफिकेशन रखता हो, बी सर्टिफिकेशन ले चुका हो, उसे यहां पर थोड़ा सा प्रिफरेंस दिया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से प्रिफरेंस रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। अब बात आती है आयु सीमा। तो गाइस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मिनिमम यहां पर 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। आरक्षण के लिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जितने भी एससी एसटी कैटेगरी होंगे, ओबीसी होंगे, उनको आरक्षण दिया जाएगा, अदर स्टेट वाले को यहां पे आरक्षण नहीं दी जाएगी, उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा। चयन का आधार क्या होगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, चयन का अधिकार जो है यहां पे, चयन का जो तरीका है वो होगा रिटन एग्जाम के बाद आप डायरेक्टली रिटन एग्जाम का सिलेबस कैसा होगा, क्या रहेगा पैटर्न, ये इनके लिए आपको अगेन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जाकर के देखना होगा कि सिलेबस क्या है इस मुख्य सेविका के पोस्ट के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में, महत्वपूर्ण यहां पर अनुदेश के बारे में। तो यहां पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से चीजों को देखना है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे कितना वेटेज मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो गाइस ये था आज का यूपी ट्रिपल एससी का जॉब अपडेट, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फास्टेस्ट अपडेट के लिए। देखिए आपका एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 3 अगस्त से, और आज है 21 जुलाई, और आज ही ये अपडेट आपके सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पहले हम लोग सारी चीजों को रिसर्च करते हुए, ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ डिपार्टमेंटल सारी चीजों को देखते हुए बहुत जल्द नोटिफिकेशन हम लोग यहां पर अपडेट करते हैं आप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।